नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ में, जिसमें आप बायोलॉजी पढ़ते हैं। मैं आपको बायोलॉजी के 50 एमसीक्यूज़ हम रोज़ पढ़ते हैं एक लेक्चर में। हम अभी तक 150 एमसीक्यूज़ कर चुके हैं, आगे के 50 एमसीक्यूज़ हम आज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, द बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स विद रेफरेंस टू पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन की बात करी गई है, परागण की बात करी गई है, तो परागण के अंदर जो हमारे कीड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं और जो पौधा है, इन दोनों के बीच का जो जैविक संबंध है, उसे आप क्या कहोगे? तो देखो, इन दोनों के बीच का जो जैविक संबंध है, उसे हम एक प्लस प्लस टाइप का जैविक संबंध कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों जो स्पीसीज हैं, उन दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। जो पौधा है यहाँ पे, उसका पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिनेशन होने की वजह से आगे उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चालू होगी। और जो इंसेक्ट है हमारा, इंसेक्ट को यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेक्ट को यहाँ पे इनाम मिलते हैं प्लांट की तरफ से। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे कॉमनली जो एक रिवॉर्ड इंसेक्ट के लिए यहाँ पे होता है, वो होता है नेक्टर। इसके अलावा भी डिपेंडिंग अलग अलग प्लांट के बेसिस पे वो अलग अलग हो सकता है। तो ये जो प्लस प्लस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, सहजीविता। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वो होगा ऑप्शन सी, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, आप मुझे एक या दो एग्जाम्पल और बता सकते हैं म्यूचुअलिज्म को, अगर आपको याद हो तो। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वुड इज द कॉमन नेम फॉर, लकड़ी जो है वो उस किस कौन सी ऐसी चीज़ है पौधे के अंदर जिसको दूसरे नाम में हम लकड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जो सेकेंडरी जाइलम होता है, अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ या फिर प्राइमरी डेवलपमेंट और सेकेंडरी डेवलपमेंट। पौधे के अंदर आप कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इन दोनों को? तो प्राइमरी ग्रोथ जो होती है, वो होती है प्लांट की लेंथ में ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज करता है, अपनी लेंथ को, लंबाई को। और सेकेंड फेज में उसका जो डेवलपमेंट होता है, उस वक्त प्लांट जो है वो मोटाई, विड्थ में इंक्रीज होता है। तो विड्थ में जो इंक्रीमेंट होता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट। और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। और इनमें से जो सेकेंडरी जाइलम है, इसको हम वुड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम टेप वर्म जो है, उसका साइंटिफिक नेम है टीनिया सोलियम। वो आपको पूछा है कि ये कहाँ पे पैरासाइट के फॉर्म में रहता है, परजीवी के रूप में, मानव में, या फिर जहाँ कहीं भी जो ऑप्शन दिए हैं आपको, उनमें कहाँ पे पाया जाता है? तो क्या ये सुअर में एक परजीवी की तरह रहता है, या मानव के पेट में, या मानव की आंत में, या फिर लिवर में, आप बताइए। तो देखिए, ये पैरासाइट है, ये एक इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो जितने भी पैरासाइट होते हैं, परजीवी जो होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इंटेस्टाइन में रहने की वजह से टीनिया सोलियम को क्या फ़ायदा होगा? इंटेस्टाइन में देखिए, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। इंटेस्टाइन में आपको ग्लूकोज मिलेगा, एमिनो एसिड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, आपको लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म वहाँ पे मिलेगी। तो इन सब को डायरेक्टली जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हमारा टीनिया सोलियम है वो, क्योंकि इंटेस्टाइन में उसे आसानी से मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। उसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा एनर्जी सोर्स उसे मिल जाएगा। तो इसीलिए ये कहाँ का परजीवी है, ये हमारे इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी। और टीनिया सोलियम की वजह से जो डिजीज होती है, वो है टीनियासिस। और ये किस वजह से होती है? जिस जैसे मतलब जो लोग मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो है, अगर वो ठीक से पका हुआ मीट नहीं होता है, और अगर वो जिस और जानवर का मीट है, अगर वो टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन उसमें अगर हुआ है, तो हो सकता है आपको फिर टीनियासिस हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल आपको पूछा है, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमंस इज, मनुष्यों में जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है? तो देखिए, रफली हम 9 मंथ्स बोलते हैं। तो 9 मंथ्स के हिसाब से आप डेज कैलकुलेट करोगे तो आपको अलग मिलेंगे, लेकिन डेज के अंदर हम इसे कहते हैं 280 डेज। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब होगा वो कितना होगा? ऑप्शन बी, 280 डेज। तो एवरेज ह्यूमन गेस्टेशन 280 डेज का होता है, या फिर 40 वीक्स का हम इसे कहते हैं, जैसे मतलब राउंड ऑफ करके मंथ्स में हम 9 बोलते हैं, पर वो साइंटिफिकली 9 कंप्लीट नहीं होते हैं, 9 से थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, और ये जो डेज कैलकुलेट किए जाते हैं, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पहला दिन होता है, उसके बाद से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिए, हॉर्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट इन, आपसे पूछा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंदर हॉर्मोन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो देखिए, चूहा, बंदर, जीवाणु और बिल्ली। तो इसके अंदर जो रैट है, मंकी है और जो कैट है, ये तीनों ही जो है वो हमारे क्या है, मैमल्स है। मैमल्स के अंदर क्लासिफिकेशन है इनका, ठीक है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अब देखिए, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, ठीक है, और मैमल्स जो है, यानी कि ये क्या है, मैमल वाले सारे यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट जो है उनके अंदर एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम का अगर डेवलपमेंट नहीं है, ग्रंथियां नहीं है, तो उनमें हार्मोन का रिलीज भी कैसे होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एब्सेंट किस में है, हॉर्मोन्स, बैक्टीरिया में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है द मैमल्स विच ले एग। आपको उन मैमल का नाम बताना है जो एग ले करते हों। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है ये। इसके दो ही एग्जाम्पल हैं जिसमें से एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, उसके अलावा जो है वो आप मुझे बताएंगे। तो चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, इन सबको छोड़िए, डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो हमारा क्या करता है, वो एग लेइंग मैमल है हमारा, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। तो एक तो मैमल्स में कंगारू जो है, मार्सुपियल्स, उनके ऊपर क्वेश्चन आपको यूजुअली पूछे जाते हैं, और दूसरे प्लैटिपस पे पूछे जाते हैं। वो यूजुअली यही होता है कि एग लेइंग मैमल कौन सा है। इसके अलावा जो आपको बताया है, एग लेइंग मैमल में कौन कौन है, डक बिल्ड प्लैटिपस है एक तो आपके पास में, और दूसरी जो स्पीसीज है आपके पास में वो है एकिडना। एकिडना को हम स्पाइनी एंड ईटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं एग लेइंग मैमल्स के नाम से। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट एग, सबसे छोटा अंडा जो है वो किस में पाया जाता है। तो आपसे आपको देखिए, अब ऑस्ट्रिच ऑप्शन दिया है, हमिंग बर्ड, पीजन, होमो सेपियंस। तो अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो बर्ड्स के अंदर तो जो सबसे छोटा एग है वो आपको मिलेगा हमिंग बर्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो हमने ऑप्शंस दिए हुए उनके अकॉर्डिंग अगर आप एग की साइज देखते हो तो होमो सेपियंस जो है, ह्यूमन बींग्स का जो एग है, वो इनमें से सबसे छोटा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट सेल बताना है आपको ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बतानी है आपको कौन सी है। तो देखिए, वैसे तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों की बात कर लेते हैं, जो स्पर्म सेल है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट है उसे हम कंसिडर करते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। तो आप ये मत कहिए कि स्पर्म जो है उसमें हेड भी होता है, टेल भी होता है, तो ओवरऑल उसकी लेंथ जो है वो बाकी सेल से ज़्यादा होगी। सेल से हम यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं जब हम स्मॉल या लार्ज की बात करते हैं। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर में, वो होती है ओवम, ओके, ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि स्पर्म ऑप्शन में नहीं है, तो स्पर्म के बाद में अगर आप देखोगे, तो स्पर्म के बाद में अगर साइज का सीक्वेंस हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो स्पर्म के बाद में आपको पहले आरबीसीज मिलती हैं, लिम्फोसाइट्स मिलेंगी, उसके बाद में फिर न्यूट्रोफिल्स मिलेंगी। तो यानी कि ब्लड सेल्स जो है वो आती हैं स्पर्म के जस्ट बाद में, क्योंकि स्पर्म यहाँ मेंशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्लड सेल्स। आप चाहो तो एक बार गूगल करके सेल्स के साइज जो है उसका क्लासिफिकेशन नहीं, सॉरी, उसका सीक्वेंस देख सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बताना है एक ऐसा एंजाइम जो एसिडिक मीडियम में, अम्लिक मीडियम के अंदर, अम्ल माध्यम जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शंस नहीं भी देखेंगे तो आपको एसिडिक मीडियम बोलते ही सबसे पहले स्टमक याद आएगा। स्टमक का पीएच कितना होता है कोई मुझे बताए, और स्टमक का पीएच अगर आपको मालूम है तो आपको पता होगा कि स्टमक के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, और पेप्सिनोजन से वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा। इतने हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम, ओके, ये एक्सप्लेनेशन था, पीएच आपको यहाँ पे मेंशन करी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है लाइकेंस के बारे में, कि लाइकेन जो है वो किस किस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। कौन से दो ऐसे इसमें ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं जिनके सहजीवी जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से लाइकेन बनेगा। तो लाइकेन देखिए, लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म से बनता है, वो दो ऑर्गेनिज्म एल्गी हो सकते हैं। एल्गी में यूजुअली हम ब्लू ग्रीन एल्गी देखते हैं यहाँ पे, और एल्गी के साथ में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा हमारा फंजाई, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा कौन बनता है, लाइकेन।
और देखिए क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि लाइक एंड आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से सबसे अच्छा पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, प्रदूषण का इनमें से इंडिकेटर कौन सा है। तो लाइक एंड जो है इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण का इंडिकेटर है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एल्गी और फंगाई ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन मुझे तो मिला है ऑप्शन नंबर सी। ओके तो देखते हैं आपका भी यही आंसर आया क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पूछा है वेन्स के अंदर और आर्टरीज के अंदर। ठीक है, वेन्स और आर्टरीज के अंदर, वेन्स हम सब जानते हैं सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि वेन्स जो है वो कैसा ऑक्सीजन कैरी करती है, कैसा ब्लड कैरी करती है, सॉरी वेन्स जो है वो इम्प्योर या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसे इम्प्योर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिक होती है। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज प्योर ब्लड लेकर के जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन की मात्रा इनमें अधिक होगी। अब आप मुझे एक एक एक्सेप्शन बताइए, ऐसी वेन का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऐसी आर्टरी बताइए जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इतना हम आगे डिस्कस करते हैं। अब सेकेंड, जैसे यहाँ पे वॉल्स की बात करी है, ठीक है, वॉल्स की अगर आप बात करोगे तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी की वॉल ज़्यादा, उसकी मोटाई आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की दो पाइप्स हैं। अगर एक आपके पास पाइप है उसकी अगर मोटाई ज़्यादा है तो उसका ल्यूमिन जो है, ल्यूमिन यानी कि अगर आप एक पाइप इस तरह से लेते हैं तो उसके जो बीच का स्पेस आपको जो खाली दिखेगा दैट इज़ ल्यूमिन। तो अगर दीवारें मोटी होंगी तो क्या होगा, ल्यूमिन नैरो हो जाएगा। तो ल्यूमिन नैरो किसका होगा, वो होगा आर्टरीज का, यानी सिकुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और एक और ऑप्शन जो आपको यहाँ पे जिसकी बात करी गई है वो है वॉल्व्स की। तो देखिए आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही तेज़ गति से होता है, लेकिन जो हमारी वेन्स हैं उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड लेकर के आना होता है हार्ट तक। तो इसीलिए इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ब्लड जो है वो ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आ जाए। तो वॉल्व्स किस में होते हैं, बॉल जैसे आप पानी वगैरह के लिए भी बॉल्स होते हैं, हमारे जैसे घर के ऊपर टंकियाँ वगैरह होती हैं उनमें चढ़ाने के लिए, उस तरह की से ऑलमोस्ट आप वॉल्स मान सकते हैं। देखिए ये अगर आप वेन ले रहे हैं तो इनमें इस तरह के वॉल्स होते हैं। तो देखिए हम एक बार, तो रक्त कहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, तो जब रक्त नीचे से ऊपर जाएगा तो ये वॉल्स जो है वो ओपन रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ग्रेविटी की वजह से अगर यही रक्त जो है वो नीचे आने की अगर कोशिश करेगा तो ये वॉल्व जो है वो इस तरह से बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे ब्लड जो है नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से मदद मिलती है ब्लड के सर्कुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बाकी जो भी डिफरेंसेस है वो यहाँ पे मेंशन करें। वॉल्स की अगर बात करें तो वॉल्स किस में मोटाई अधिक होती है, आर्टरीज में। ल्यूमेन पतला किस में होगा, आर्टरीज में। और वॉल्स किस में होंगी, वॉल्स होंगे आपकी वेन्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा है कि आपको नीचे चार बोन्स के नाम दिए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी बोन है जो कि आपके लेग में, आपके पैरों में प्रेजेंट नहीं होती है। तो रेडियस, रेडियस आप मुझे बताइए कहाँ प्रेजेंट होती है। तो आपका जो हैंड है, आपका जो हाथ है, उसमें आपकी बोन्स होती हैं। ह्यूमरस होगी, रेडियस और अल्ना होगी, फिर आगे मेटाकार्पल्स और बाकी बोन्स होंगी। तो रेडियस तो मुझे, मेरे हिसाब से तो आपकी अपर लिम की या फिर आपके हाथ की बोन है, टीबिया, फीमर, फिबुला। तो फीमर आपकी जो हिप जॉइंट से नी जॉइंट को जो कनेक्ट करती है दैट बोन इज फीमर। और नीचे जो दोनों आपकी हैं वो कौन कौन सी है, टीबिया और फिबुला। तो बी, सी और डी, ये तीनों बोन्स जो है वो आपके लेग की बोन है, पैरों की हड्डियां हैं। लेकिन जो रेडियस है वो आपके किसकी बोन है, हाथ की। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि आपका जो हार्ट है, जो हृदय है, इट इज़ कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन, वो एक झिल्ली से ढका हुआ है। आपको उस झिल्ली का नाम पूछा है। तो देखिए आपके जो लंग्स हैं वो भी इसी तरह एक झिल्ली से कवर्ड है। और ये जो झिल्ली है इसकी दो परतें होती हैं। दो परतें क्यों हैं वो भी हम जानेंगे। देखिए ये आपका दिल है, इसके चार चेंबर्स हैं और ये आपका ढका हुआ है किसके अंदर, एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ठीक है, तो इस तरह की ये जो कवरिंग है इसके अंदर दो परतें होती हैं और इन दोनों परतों के बीच में एक लिक्विड भी होगा। तो देखिए अगर किसी भी तरह का कोई शॉक हो, कोई एक्सीडेंट अगर आपको होता है, तो अगर ऐसा है कि उसके कंटेंट्स जो हमें कोई डिस्टर्बेंस होगा, तो ये जो झिल्ली है ये आपके हृदय को बचाएगी ऐसी चीज़ों से। ये फंक्शन होता है इसका और इसको हम जानते हैं पेरिकार्डियम के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम। तो कार्डियम जो शब्द है, आपने कार्डियक मसल सुना होगा। ठीक है, जब हम तीन तरह की मसल्स पढ़ते हैं तो स्केलेटल मसल्स,
कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स पढ़ते हैं। तो कार्डियक टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम कार्डियक टर्म यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, और पेरी का मतलब होता है बाहर, तो हार्ट के बाहर जो है उसे हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी। इसी तरह से आप मुझे बताइए लंग्स के बाहर की जो कवरिंग है उसे हम क्या कहेंगे? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रेनिन और लैक्टेज दो ऐसे एंजाइम हैं जो मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं, जो दूध के पाचन में हेल्प करते हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर के अंदर किस उम्र के बाद में दोनों एंजाइम जो है वो गायब हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम बचते हैं। तो देखिए, हम जो हॉर्मोन्स एंजाइम्स हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र में, उसमें आप रेनिन पढ़ते ज़रूर हो, पर उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन छोटे बच्चों में इन दोनों की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो पूर्णतः दूध पे ही डिपेंडेंट होती है उनकी डाइट। तो रेनिन और लैक्टेज जो हैं वो बच्चा जब 2 साल का हो जाता है, 2 साल पे वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और जब बच्चा ऑलमोस्ट 8 साल का हो जाएगा तब उनकी मात्रा एकदम ख़त्म हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि कब डिसअपीयर होंगे, तो हम इसका जवाब क्या देंगे? हम इसका जवाब देंगे 2 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन ए। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे मिल्क शुगर का नाम क्या है? मिल्क शुगर किस कौन से शुगर है जिसको हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं? और हम इतनी देर में चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा है, हाउ मेनी टीथ आर नोन एज मिल्क टीथ इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स के अंदर मिल्क टीथ, या फिर आपको टेम्प्ररी टीथ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या डेसीडुअस टीथ भी बोल सकते हैं, ये सारे एक ही चीज़ के ना अलग अलग नाम हैं। तो अगर आपसे पूछें कि ये टीथ ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, तो ये टोटल जो है वो 20 होते हैं ह्यूमन बींग्स में। और अगर आपको परमानेंट टीथ पूछें, तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में? 32। ओके, तो इसके साथ में आप इसको, अगर आप डायरेक्टली 20 नहीं याद रखना चाहते, तो आप डेंटल फार्मूला से भी याद कर सकते हैं। जैसे आप एडल्ट्स में डेंटल फार्मूला 2123/2123 पढ़ते हैं, इसी तरह आपके जो टेम्प्ररी टीथ हैं इनके लिए भी आपके पास में डेंटल फार्मूला है, पर वो याद रखने की बजाय ज़्यादा ठीक होगा आप सीधा याद रख लें कि 20 जो दूध के दांत हैं वो हमारे में होते हैं। ओके, और हाँ, इसके साथ में एक क्वेश्चन हम और बात कर सकते हैं कि ये जो दो, इस तरह से दो जोड़े हमारे पास दांत के, कि पहले हमारे पास टेम्प्ररी टीथ आते हैं, फिर जो परमानेंट टीथ आएंगे हमारे पास में, ये जो दो अलग अलग टाइप का डेंटिशन है, इसे आप क्या नाम देंगे? क्या नाम से जानते हैं इसे हम? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोन? कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल भी हो सकता है, ठीक है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपके शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो उसे सीक्रेट करती है? तो देखिए, थायराइड आप बताइए मुझे कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? हम इसे T4 या T3 के नाम से जानते हैं, या फिर थायरॉक्सिन के नाम से। थायराइड सीक्रेट करती है थायरॉक्सिन। टेस्टीज आप बताइए, तो टेस्टीज हमारी सीक्रेट करती है मेल सेक्स हार्मोन, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। फिर है एड्रीनल और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आप मुझे बताइए कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, और बचा है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन में हम एल्डोस्टेरोन की बात पहले कर चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और एल्डोस्टेरोन के अलावा और हार्मोन्स भी यहाँ से रिलीज होते हैं, जिनमें कॉर्टिसोल एक और है, ठीक है, कॉर्टिसोल। और यहाँ से भी कुछ सेक्स हार्मोन्स जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल की। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी, एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं, जिन्हें हम सुप्रा कहेंगे, सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आपके पास नोबल गैसेस हैं, ग्रुप 18 जो है आपका केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में, उसे आप नोबल गैस के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडॉन जो नोबल गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सही जवाब में यहाँ पे कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ आप एक और क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं कि हीलियम जो है एज अ नोबल गैस, उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? उसके कुछ यूजेस हैं, बाकी मैक्सिमम नोबल गैसेस के कुछ ज़्यादा यूजेस हैं नहीं। नेक्स्ट है आपके पास में पेसर डोमेस्टिकस इज कॉमनली नोन एज। आपको एक नाम दिया है, और ये जो नाम है ये साइंटिफिक नेम है। इस तरह के जो थोड़ी डिफिकल्ट या फिर टफ बोलने में इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं। आपको इसका कॉमन नेम बताना, यानी कॉमन आप अपने आसपास की लैंग्वेज में ये जो बर्ड है या फिर जो भी एनिमल है उसे किस नाम से जानेंगे। तो आप कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस के अंदर जो आपका स्पैरो है, गौरैया जो है, उसे आप पेसर डोमेस्टिकस के नाम से जानते हैं।
तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगली बार आपको इन्हीं किसी ऑप्शंस में से किसी दूसरे वर्ड का नाम पूछ लिया जाए। तो हम एक बार साथ चारों बर्ड्स के नाम देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम कौन कौन से हैं। पैरट जो है, पैरट में आपको सिटेसिफॉर्मिस जो है वो ज़रूर मिलेगा नाम में। तो देखिए, जो साइंटिफिक नेम है इसमें दो पार्ट्स होते हैं आपका। जो पहला नेम होता है वो होता है जेनेरिक नेम, और दूसरा जो होता है वो स्पीसीज़ का नेम होता है। इसमें से जेनेरिक नेम जो है वो आपका यूजुअली कांस्टेंट रहेगा, और स्पीसीज़ का नेम जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। और लार्क का है हमारे पास स्पैरो, आपसे पूछा ये पैसा डोमेस्टिकस, एंड पीजन का कोलंबा लिविया डोमेस्टिका। तो ये हो गए इन चारों के साइंटिफिक नेम्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है आपको डीएनए के बारे में, कि डीएनए जो है इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड, एनालाइज्ड एंड रिकग्नाइज एज अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल इन 1869। यानी जो डीएनए है आपका, उस पर 1869 में कोई डिस्कवरी हुई थी, और 1869 में क्या हुआ था, वहाँ पे सबसे पहली बार डीएनए को पृथक किया गया था, उसका विश्लेषण किया गया था, और ये देखा गया था कि ये एक बहुत ही यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो आप बताइए कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में डिस्कवरी की। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं डायरेक्टली हम एग्जाम से क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो जो फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ा था और डीएनए को आइसोलेट किया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, वो कौन से दो या कितने साइंटिस्ट ने दिया था, आप बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हैं दे आर लोकेटेड इन, तो ऑल्फैक्ट्री जो वर्ड है, ऑल्फैक्शन वो जो वर्ड है, उसे हम यूज़ ही किसके लिए करते हैं, स्मेल के लिए यूज़ करते हैं, स्मेल सेंसेस के लिए। तो आप ही बताइए ऑल्फैक्ट्री जो है कहाँ पे मिलेंगे आपको, नोज़ में मिलेंगे। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। इसी के साथ में टंग पे, टंग पे आपको टेस्ट के लिए आपके पास में क्या होते हैं, टंग पे आपके पास में होते हैं टेस्ट बड्स, जिससे आपको अलग अलग तरह के टेस्ट पता चलते हैं। कल जो हमने टंग का डायग्राम पढ़ा था, टंग के डायग्राम में अलग अलग एरियाज पढ़े थे कि इस एरिया से आपको ये टेस्ट पता चलता है। तो वहाँ पर क्योंकि अलग अलग तरह के टेस्ट बड्स हैं, इसलिए आपको वहाँ पर अलग अलग टेस्ट की अनुभूति होती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर देखिए, हिंदी में तो आप सीधा ही देख सकते हैं, मधुमक्खी पालन। आपको सिंपली यही पूछा है कि एपीकल्चर जो है इज़ द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक रियरिंग ऑफ डैश इन अ स्पेशली डिजाइन वुडन बॉक्स। यानी कौन सी ऐसा, कैसे कौन सा जीव है जिसके पालन को आप एपीकल्चर कहते हैं। तो देखिए, जो मधुमक्खियां हैं, हनी बीज, उनके पालन को, और उनका पालन हम कौन सी चीज़ों के लिए करते हैं, उनका पालन हम करते हैं तो हनी के लिए, शहद के लिए, और दूसरा जो है बीज वैक्स, मधुमक्खियों का जो वैक्स होता है वो भी हम कहीं कहीं पे यूज़ लेते हैं। तो इन दोनों के लिए हम एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन जब करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एपीकल्चर। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन ए, हनी बीज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि वायरसेस की स्टडी, अगर आप वायरस का अध्ययन कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे। वायरस का अध्ययन आप देखिए, ऑप्शंस माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। तो वायरस नाम ही बी में आ रहा है वायरोलॉजी, लॉजी होता है स्टडी, और वायरो है मतलब वायरस की स्टडी। तो सही जवाब इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी, माइकोलॉजी किसकी स्टडी होगी, फंगस की स्टडी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइव किंगडम कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन बाय। तो फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, उसमें आपके पांच किंगडम कौन कौन से थे, उसमें आपके पांच किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, फंजाई, सॉरी बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, वेट अ सेकंड, तो विटेकर ने जो आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके पांच किंगडम कौन कौन से हैं, उसके पांच किंगडम हैं मोनेरा है, ओके, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा है, ठीक है, मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आते हैं सारे, फिर प्रोटिस्टा है, उसके बाद में आपका फंगाई है, और लास्ट में आपके दो किंगडम कौन से हैं, प्लांटी है और एनिमीलिया है, ठीक है। तो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम अब तक फॉलो करते हैं, वो किसने दिया था, वो दिया था आर एच विटेकर ने, ठीक है। आर एच विटेकर का पूरा नाम है रॉबर्ट विटेकर। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, जो परपोषी हैं वो तीन तरह के होते हैं। आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें कौन सा जो है वो टाइप नहीं है एक हेटेरोट्रॉप का। तो आप देखिए, आपके पास कंज्यूमर है, आपके पास कार्निवोर्स है, आपके पास ओमनीवोर्स है। तो हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं परपोषी? परपोषी वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं अपने खाने की पूर्ति के लिए। तो आप बताइए कि क्या आप खुद एक ऑटोट्रॉप हो या हेटेरोट्रॉप हो? तो हम जो है हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि हम हमारे भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। अब ये देखिए हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स अब आप बताइए क्या एक हेटेरोट्रॉप का एग्जांपल है, जो शाकाहारी हैं वो। तो हेटेरोट्रॉप के जो तीन टाइप होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हर्बीवोर। हर्बीवोर आप किन्हें कहते हैं? हर्बीवोर वो होते हैं जो सीधे पौधों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये सीधा घास फूस को खाते हैं, जैसे कि हमारी गाय हो गई, बकरियां हो गई, भैंस हो गई, ये सब कौन से में आएंगी? हर्बीवोर्स में। फिर आते हैं आपके पास में कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आपके क्या होंगे? कार्निवोर्स वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं, यानी शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। तो कौन ऐसा है इन ऑप्शंस में से जो कि हेटेरोट्रॉप का एक टाइप नहीं है, वो कौन है? वो है आपका कंज्यूमर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, डैश इज द स्टडी ऑफ फंगाई। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी फंगाई की स्टडी को हम क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। अब इसमें भी वही चीज़ें आती है, अगर आप कोई चीज़ें याद रहती तो बहुत ही अच्छा है। तो माइको जो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फंगाई के लिए, ठीक है। और पीछे हमने वायरोलॉजी पढ़ा था, उसमें तो सीधा सीधा दिख ही रहा था। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडिग्म्स ऑफ बायोलॉजी। यानी कि आपको नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि जीव विज्ञान की बहुत ही महान प्रतिमान नहीं है ये जो ऑप्शन है वो। अब पहला देखिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने इनहेरिटेंस अनुवांशिकी में बहुत ज़्यादा काम किया था। उसके बाद जाकर के उन्होंने तीन मेंडल के लॉ दिए थे अपने। वो लॉज जो है वो आपको बताऊंगे, उनके नाम मुझे जल्दी से बता दीजिए। कि जो तीन लॉ मेंडल ने दिए थे, ये बायोलॉजी के लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। तो हाँ, ये तो एक डिस्कवरी है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। मतलब दूसरा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो कहीं आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, पर ठीक है, हमें एक बार मान लेते हैं, नहीं पता, हम आगे देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के अंदर डार्विन की थ्योरी जो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री का भी होगा, पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो फिजिक्स से रिलेटेड है, शायद कुछ वाटर के फ्लो से रिलेटेड है। तो ये इसका जीव विज्ञान में कहीं कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पर्सिया अमेरिकाना जो है, इसका अगेन एक साइंटिफिक नेम है, आपकी एग्जाम में आज डायरेक्टली किसका कॉमन नेम है? तो एवोकैडो जो है, एवोकैडो का कॉमन नेम होता है पर्सिया अमेरिकाना। तो इसके साथ में हम हमेशा की तरह बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके भी हम साइंटिफिक नेम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एवोकैडो को हम किस नाम से जानते हैं? पर्सिया अमेरिकाना से। वाटरमेलन को सिट्रुलस लैंटस से, ऑरेंज को सिट्रस एक्स सिनेंसिस से, और ग्रेप्स को वाइटस विनीफेरा। ठीक है, तो ये आप नाम याद रख सकते हैं इनके, क्योंकि इसी तरह से एक शिफ्ट में आपको जैसे एवोकैडो का पूछा है, दूसरे शिफ्ट में आपसे इसी तरह से ऑरेंज का या वाटरमेलन का नाम पूछा गया था, फिर से साइंटिफिक नेम। अगला आपको पूछा है कि आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको आपके शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी बतानी है। आपके शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी होती है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो आपके बटक्स की मसल्स होती हैं, जहाँ पे आपके यूजुअली जो इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। तो सही जवाब इसका कौन सा है? ऑप्शन सी। ओके, तो ग्लूटियस मैक्सिमस ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल है। ये काफ़ी बड़ी है, बहुत ही पावरफुल भी है, और इसका काम क्या है? कीपिंग द ट्रंक इन बॉल ऑफ द बॉडी इन इरेक्ट पोस्चर। आपका जो अपर बॉडी है उसको इरेक्ट पोस्चर में रखना, मतलब एक सीधा पोस्चर में रखना ट्रंक का काम है। क्योंकि उससे पहले आपने देखा होगा मंकीज वगैरह, जिससे कहा जाता है आपका इवोल्यूशन हुआ है, उससे पहले चार पैरों पर चला करते थे। तो यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? किस तरह से आप अपना अपर जो बॉडी है उसको एक अलाइनमेंट में रख सको। क्योंकि अभी आप अगर देखोगे, सो दिस इज़ द वे वी स्टैंड और वी लिव, हम जो, तो ये इसको हम बोलते हैं इरेक्ट पोस्चर। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल आपकी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। और जो हार्डेस्ट वर्किंग मसल है आपकी बॉडी की वो कौन है? हार्ट। तो हार्ट तो हमेशा, आप जब से आपका हार्ट बीट शुरू होता है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स
जब आप इंट्रा यूट्रन लाइफ से शुरू होकर के आपकी लाइफ के एंड तक हार्ट जो है काम करती रहती है, तो हार्ट भी मसल्स का ही बना हुआ है। तो सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली मांसपेशी कौन सी है आपके शरीर में? वो है हृदय की मांसपेशियाँ। अगला आपको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ मलेरिया? आपको मलेरिया का वेक्टर बताना है। ये मैंने पहले पूछा था आपसे, और शायद वैसे ही एडिशनल क्वेश्चन टाइप। तो एनाफिलीज मॉस्किटो, और एनाफिलीज में भी कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया की कैरियर होती है, तो यानी कैरियर या फिर वैक्टर है। तो सही जवाब इसमें होगा एनाफिलीज मॉस्किटो। अब आप मुझे बताइए कि एडीज मॉस्किटो जो है वो कौन सी डिजीज के लिए वैक्टर का काम करती है? ओके, अगला क्वेश्चन है, पुअर विजन इन ह्यूमन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? तो हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, केराटाइटिस अगर है, या फिर केराटो नाइट ब्लाइंडनेस है, या फिर पुअर विजन है, मतलब दृष्टि अगर थोड़ी बहुत उसमें कोई कमजोरी आ रही है आपको, तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, और उसमें आपको सबसे ज़्यादा गाजर खाने को कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? ऐसा कौन सा विटामिन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी बॉडी बनाती है? तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी इज फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, सनशाइन विटामिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बॉटनिकली नोन एज डायएंथस? ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसको हम डायएंथस के नाम से जानते हैं? तो डायएंथस एक कॉमन नेम है, तो कार्नेशन जो है, डायएंथस जो फ्लावर है उसी को हम दूसरे नाम, उसी के मल्टीपल नेम्स है, जैसे हम कॉमन नेम अलग है, तो उस तरह से आपको पूछा है। तो कार्नेशन जो है, गुलनार, उसे हम जानते हैं डायएंथस के नाम से। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ओके, आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा मात्रा अगर आपके शरीर में है तो आपको गाउट हो सकता है। तो गाउट देखिए, गाउट एक तरह का गठिया बाय है, गठिया बाय आपने सबने सुना होगा, गठिया बाव भी कहा जाता है उसको काफ़ी जगह, उसका साइंटिफिक नेम है वो है गाउट, या फिर तो गाउट एक तरह का आर्थराइटिस है। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जोड़, जितने भी आपके जोड़ हैं, जॉइंट्स जो हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, और यूजुअली ओल्ड एज के अंदर ये डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपके दादा दादी में हो सकता है, हो किसी के। तो देखिए, इनके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि यूरिक एसिड जो है, यूरिया और यूरिक एसिड हम सीक्रेट करते हैं, कि किसी ने बताया था पहले आंसर में, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यूरिया और यूरिक एसिड में से जो यूरिक एसिड है आपकी बॉडी में, अगर ये आपके शरीर में इसकी मात्रा अगर बढ़ने लग जाती है, तो ये जाकर के आपके जो जोड़ हैं उनमें जाकर के डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जो दर्द है जोड़ों में, वो सब बाद में होता है। तो यानी कि ये परेशानी जो है वो शुरू कहाँ से हुई? शुरू हुई आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से। तो इसीलिए यहाँ पे सही जवाब है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यूरिक एसिड। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बॉटनिकली नोन एज नार्सिसस? नार्सिसस वही डिफरेंट नेम आपको पूछा है, तो रोज, कार्नेशन, कार्नेशन की बात हमने पहले कर ली, लिली, डेफोडिल। तो डेफोडिल जो फ्लावर है उसे हम नार्सिसस के नाम से भी जानते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी। आगे आपको पूछा है, मैलस प्यूमिला इज द बॉटैनिकल नेम ऑफ विच ट्री? कौन सा ऐसा पेड़ है जिसका बॉटैनिकल नेम जो है वो है मैलस प्यूमिला? तो देखिए, थोड़ी देर पहले मैं साइंटिफिक नेम आपको बोल रही थी, तो साइंटिफिक नेम और बोटैनिकल नेम कुछ अलग नहीं है। साइंटिफिक नेम हम उनको यूनिवर्सली बोलते हैं, पर अगर कोई एनिमल है, एनिमल का नाम है, तो हम उसे जूलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं, और अगर कोई प्लांट है तो प्लांट के लिए हम उसको बॉटैनिकल नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बॉटैनिकल नेम यानी उस पौधे का साइंटिफिक नेम है मैलस प्यूमिला। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। तो उस मैलिक से ही हमने वर्ड लिया है मैलस प्यूमिला। तो मैलस प्यूमिला जो किसका दूसरा नाम है? एप्पल का। ओके, एप्पल। तो बाकी हम ऑरेंज वाटरमेलन का हमने दूसरा नाम डिस्कस कर लिया था, बनाना का देख लेते, बनाना का है म्यूसा एक्यूमिनेटा। ठीक है, ओके। विच ऑफ द बिलो मेंशन
ह्यूमन ऑर्गन्स कैन रीग्रो आफ्टर डैमेज इन द एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट्स के अंदर भी, वयस्कों के अंदर भी अगर ऐसा आपको वो अंग बताना है आपके शरीर में से जिसको अगर थोड़ी बहुत अगर डैमेज हो जाता है, उसको क्षतिग्रस्त अगर हो जाता है, तो वो पुनः विकसित कर पाएगा खुद को। तो रीजनरेशन की बात हो रही है, रीजनरेशन में हमने मिनिमम रीजनरेटिव पावर पढ़ी थी, वो किसकी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने हमारे नर्व सेल्स के अंदर। अब आपको बतानी है मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर, मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर आपकी बॉडी में किसकी होती है, जो लिवर है उसकी। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन बी, दैट इज लिवर। अगला सवाल आपके लिए जो है वो आपसे पूछा है, सिट्रुलस लैंटस किसका बॉटानिकल नेम है। तो सिट्रुलस लैंटस हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वाटरमेलन का बॉटानिकल नेम है। तो सही जवाब इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। तो बनाना के अंदर हमने म्यूसा और आगे कुछ स्पीसीज का नेम था। एप्पल के लिए हमने डिस्कस किया था मेलस, जो कि हमने मेलिक एसिड से लिया था। वाटरमेलन के लिए कौन सा है, सिट्रुलस लैंटस, ओके, लेनाटस, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल फिर से साइंटिफिक नेम का, यानी कि इस बार बहुत सारे आपको अलग अलग एग्जाम्स में साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट आप जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके तो साइंटिफिक नेम याद रखिए। आपको पूछा है कि बॉस म्यूटस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, तो वाइल्ड याक जो है उसका साइंटिफिक नेम आपके क्या है, बॉस म्यूटस, ठीक है। हॉर्स का जो है वो इक्विस कैबालस है, हॉर्स का जूलॉजिकल नेम। ऑक्स का क्या होगा, ऑक्स का बॉस टॉरस है, और बफेलो का ब्यूबैलिस ब्यूबैलिस। यानी यहाँ पे जो जेनेरिक नेम है और जो साइंटिफिक नेम है वो दोनों सेम है। अगला सवाल देखिए, डैश इज अ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। यानी आपको एक ऐसी दवा का नाम बताना है जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से, जो आपको पेन भी ट्रीट करेगी, आपको अगर दर्द है तो उसका भी उपचार कर उसके लिए भी आप ले सकते हैं उसको, या उसका भी उपचार उससे हो सकता है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा तापमान अगर आपके शरीर का बढ़ रहा हो तो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो ड्रग आप बुखार में लेते हैं वो यही है। तो आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको आसानी से, आप सबने सही किया होगा, अभी भी करेंगे, जो कि क्या है, पैरासिटामोल। सही जवाब यहाँ पे क्या होता है, पैरासिटामोल, ऑप्शन सी। और बुखार कम करने वाली दवाइयों को हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज कॉल्ड, ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहोगे, तो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस है उसे हम कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है। सही जवाब इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए। अब सेकेंड ऑप्शन देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइट्स आप किसे कहते हो, थ्रोम्बोसाइट्स आप कहते हो प्लेटलेट्स को। तो प्लेटलेट्स की मात्रा अगर आपकी बॉडी में कम हो रही है तो उसे आप क्या कहोगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो पीनिया वर्ड है वो हमेशा आता है कमी के लिए, ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक डिजीज़ है। होमोफोबिया, फोबिया होता है किसी चीज़ का डर, तो होमोफोबिया, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या है हमारा, कोएगुलेशन। अब देखिए, क्वेश्चन आया था कहीं पे जिसमें पूछा गया था कि फिब्रिनोजन जो है या फिर प्रोथ्रोम्बिन जो है, इनमें से ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो हमारे अगर जैसे कोई इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल को, तो इनमें से कौन हेल्प करेगा। तो ब्लड क्लोटिंग की जो रिएक्शंस है, देखिए ये कैस्केड बोलते हैं इनको, एक के बाद एक रिएक्शन होती है, और उन रिएक्शन में अलग अलग जगह पे आपका प्रोथ्रोम्बिन भी काम में आता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर के फाइब्रिनोजन भी काम में आता है, और इसके साथ साथ में आपका कैल्शियम जो है वो भी काम में आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए हम ये नहीं कह पाएंगे, तो इनकी इनमें से कोई एक अगर छांटना हो तो वो नहीं होगा, वो सारे ही आपके ब्लड क्लोटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है डायबिटीज़, मधुमेह जो है इस कंडीशन में आपको एक ऐसी चीज़ बतानी है जिसकी मात्रा उस व्यक्ति के रक्त में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, डायबिटीज़ के अंदर जो, अगर मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ है तो मेरे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ की मात्रा होगी वो बहुत अधिक होगी, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अगला सवाल है, इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आपको बताना है कि एक सेल, मनुष्य के एक शरीर के अंदर कितने जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं, ठीक है, कितने गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो आपके पास 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि यहाँ पे पेयर पूछा है या फिर नॉर्मली पूछा है कि टोटल कितने क्रोमोसोम हैं। अगर आपको जोड़े पूछे हैं तो 23 होंगे, और अगर आपको यही पूछा है कि टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे तो आंसर कितना होगा, 46। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी।
तो इसमें हमने बात करी थी पहले कि जो मेल होंगे उनमें क्रोमोसोम होंगे एक्स वाई, और जो फीमेल होंगी उनमें जो क्रोमोसोम होंगे उन्हें उनमें होंगे एक्स एक्स। तो ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं ये होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स, और इनके अलावा आपके पास 23 क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे, सॉरी 22, जो दोनों में एक जैसे होंगे। ठीक है, 22 पेयर्स और फिर एक पेयर ही हो गया। अगला सवाल आपको पूछा है, डैश इज द स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सेटाइवस एल। आपको ये नाम दिया है, इसका स्टिग्मा जो है वो कहाँ काम में लिया जाता है? तो देखिए, क्रोकस सेटाइवस जो है, जो सैफ्रॉन है आपका, उसके लिए जो साइंटिफिक नेम है उसके प्लांट का वो है, और इसके जो स्टिग्मा है उससे आपको क्या मिलता है? सैफ्रन मिलता है आपको। ठीक है, सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए, अगला आपको पूछा है कि ऑक्सैलिक एसिड आपको किस में मिलता है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए अलग अलग, इमली दिया है आपको ऑप्शन में, नींबू दिया है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में आप मुझे बताइए कौन सा एसिड होता है, और जो स्पाइनच होता है पालक उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो आपका सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पाइनच, पालक। आगे आपको पूछा है कि मेटामॉर्फोसिस जो है फ्रॉग के अंदर वो सब किससे कंट्रोल होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो फ्रॉग आपने पढ़ा था, फ्रॉग एक ओवी पैरस एनिमल है, तो फ्रॉग जो है वो पहले एग ले करेगा, उसके बाद में उसका जो लार्वा होता है उसे हम टेडपोल कहते हैं, और टेडपोल जो है वो बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कि ये एग जो है वो टेडपोल में कैसे कन्वर्ट हुआ, फिर टेडपोल जो है वो एडल्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये जो आपस में इनका कन्वर्जन है, पहले तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस रूपांतरण को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका, उसकी वजह से ये एग से टेडपोल में और टेडपोल से एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे सही जवाब है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, मेलेटोनिन बताइए आप मुझे कौन सी ग्रंथि है जिससे मेलेटोनिन रिलीज होता है? आपको बताना है मुझे ग्लैंड का नाम। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश यानी कि आपको बताया है कि सबसे ज्यादा एबंडेंट मॉलिक्यूल है ये आपकी कोशिकाओं के अंदर, जो 70% या उससे भी अधिक जो है वो भार जो एक कोशिका के अंदर है वो इस वस्तु का होता है। आपको बताना है तो सबसे अधिक कौन है हमारे शरीर में? वाटर है। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी, पानी। 70% से भी ज्यादा मात्रा होती है एक सेल के अंदर, एक कोशिका में। आपको पूछा है कि टूथ इनामल जो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो आपका जो दांत है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ होती है, इनामल होती है, डेंटीन होती है, तो टूथ इनामल किस चीज़ का बना हुआ होता है? आपको सीधा याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है आपका टूथ इनामल। तो सही जवाब है वो आपका कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन? आपको बताना है कि जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा जो है नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा? तो देखिए, अगर आप में ब्लड डेफिशिएंसी, अगर आप में रक्त ही कम है, हीमोग्लोबिन ही कम है, तो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा। आयरन की डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन के अंदर हमारा जो हीम पार्ट है उसमें आयरन होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होने से ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कम होगा। प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर हर चीज़ का अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी को भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी भी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना होता है। मेमोरी लॉस, अगर आपकी याददाश्त चली जाएगी तो उस पर हीमोग्लोबिन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा उस चीज से। तो यहाँ पे सही जवाब है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, मेमोरी लॉस। आपसे पूछा है जो स्नफ इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेट्स चेंजेस इन द फॉलोइंग। तो स्नफ इंडिकेटर्स में आप समझिए सबसे पहले तो कि स्नफ क्या होता है। स्नफ होता है किसी भी चीज को, जैसे देखिए बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, उनको आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बहुत जल्दी से एक ऐसे पाइप कुछ बना करके, मतलब कि उसको बहुत जल्दी से नाक के अंदर बहुत फोर्स से उसे लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्नफिंग। तो स्नफ इंडिकेटर्स जो है वो किस चीज़ में चेंज करेंगे? अगर उसको हमने नेजल, नाक के थ्रू लिया है, तो यानी कि ऑब्वियसली वो जो स्मेल है हमारी उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेट, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। आज के देखिए हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रिजल्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यानी कि आपके पास ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, उसके साथ में आपको बाइंडिंग किसकी करनी है? टू अ प्रोटीन और अ लिपिड मॉलिक्यूल। इसके साथ में आपका कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है,
या फिर लिपिड मॉलिक्यूल हो सकता है विदाउट द कंट्रोलिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम। आपको ये रिएक्शन का नाम पूछा है तो ग्लाइकेशन जो रिएक्शन होती है, ग्लाइकेशन रिएक्शन इसी रिएक्शन को हम कहते हैं जिसमें आपका कोई एक ग्लूकोज जो है या कोई एक शुगर है, शुगर कोई भी हो सकती है, ग्लूकोज हो सकती है, फ्रक्टोज होती है जिसे हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, इसको आप किसके साथ में अगर अटैच करोगे, प्रोटीन या लिपिड के साथ में अगर इसका अटैचमेंट आप करोगे तो ये जो पूरी रिएक्शन है इसको हम जानते हैं ग्लाइकेशन के नाम से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई। ठीक है, तो आज के जो एमसीक्यूज है 50 एमसीक्यूज वो खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।